Să dezbătem. Dar ai o putință de că îmi dimineața să se aleagă. नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीप तारण। अभी हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहा पर। आप देख सकते हैं कि वो जो रैली, वो जो जनसमूह निकला था गांधी मैदान से, वो डाक बंगला चौराहा पहुंच चुका है और यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो उसे रोक दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ बेहोश भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक लड़की है जो बेहोश हो गई है, जिसे अभी पानी मार कर फिर उठाया गया है वापस। कार्यकर्ता का जोश पूरा अपना चरम पे है। हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी क्या मांग है। हम लोग सुरक्षा अपनी मांग को लेके विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये निकम्मी प्रशासन द्वारा हम लोग पे लाठियाचार्ज करवाया जा रहा है और हम लोग को घसीटा जा रहा है। और आप भी देख सकते हैं, अगर ये खुले जगह पर बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है तो अदर और गुप्त रूप में कैसे बेटियों के साथ सलूक किया जा सकता है। यहाँ पे अभी ये महिला पुलिस आई है, इससे पहले वहाँ मोरिया लोग से लेकर यहाँ तक एक भी महिला पुलिस नहीं थी, सिर्फ जेंट्स पुलिस के द्वारा हम लोग पे अत्याचार और लाठी चार्ज करने का काम किया। इसमें कभी हम लोग सिर्फ अपना मांग करने के लिए जा रहे थे सही ढंग से, लेकिन इन लोगों ने जो जो हम लोग पे लाठी चार्ज और जो घसीटने का काम किया है। और जिस तरह से बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है और ये नीतीश कुमार जी चुपचाप कान बंद करके बैठे हुए हैं। बिहार में जो आपने देखा कि बेटी की सुरक्षा को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर भी इनकी मांग है और साथ ही साथ मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। स्वास्थ्य का जो स्थिति बिहार में चरमरा गया है, चमकी बुखार, इसमें लगभग 300 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं मिथिलांचल में बाढ़ की स्थिति है और मगध का जो क्षेत्र है वो सुखाड़ का क्षेत्र है। इन सभी मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन राज तिलक के साथ मैं उदीप तारण, हेडलाइंस बिहार पटना।